अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो मैंने अपने भाई के लिए अप्लाई किया हुआ था एसटीएस में इंटरमीडिएट कैटेगरी पे, तो उसमें ऑब्जेक्शन आया हुआ था जिसका मैंने रिप्लाई किया था। उसमें डॉक्यूमेंट्स जो मांगे थे मैंने उसको रिप्लाई में डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। तो अब उसको ऑलमोस्ट 20 दिन गुजर गए हैं, उसके बाद मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ है कल के, डियर अली रजा, द ऑब्जेक्शन विथ आईडी ऑन योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज़ बीन रिजॉल्व्ड, थैंक यू। तो जो मेरी क्यूरी थी उसका जो मैंने रिप्लाई किया था ऑब्जेक्शन, तो उसमें ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए हैं इसको, तो 20 दिन के बाद ये रिप्लाई आया है कि मेरी क्यूरी जो थी वो रिजॉल्व हो चुकी है और जो मैंने ऑब्जेक्शन रिप्लाई किया था वो अब सबमिट हो चुका है। तो ये ऑब्जेक्शन बहुत से लोगों का था, किसी का फोटो का मसला था, किसी का चालान का मसला था, तो उसका ऑलमोस्ट सबका ये अभी रिजॉल्व हो चुका होगा। इसमें गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ ये है कि अगर अभी 25 जनवरी तक ये काम कर रहे हैं और ऑब्जेक्शन रिजॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि टेस्ट ज़रूर होने वाला है। हालांकि कुछ वक्त लग सकता है लेकिन ये पुरुमीद है कि वो टेस्ट ज़रूर है। मैं वेबसाइट पे जाके चेक करता हूँ कि अब मेरा एप्लीकेशन स्टेटस किस तरह शो हो रहा है। तो एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर मेंशन है, मैंने मैट्रिकुलेशन कैटेगरी पे अप्लाई किया हुआ था तो उसमें मैंने चालान पे नहीं किया, तो ये यहाँ पर रेड है, यानी कि मेरी इसमें जो है वो अभी तक ऑब्जेक्शन रिजॉल्व नहीं हो क्योंकि मैंने इसका रिप्लाई नहीं किया, मैंने इसका चालान पे ही नहीं किया। तो इसमें रिप्लाई ऑब्जेक्शन ये पहले इस तरह का कुछ व्यू था, लेकिन जो इंटरमीडिएट कैटेगरी है इसमें मुझे ऑब्जेक्शन मिला था कि आप डॉक्यूमेंट्स रीसबमिट करें, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स सारे रीसबमिट किए थे। तो उसमें अभी ये देखें एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्टेड आ रहा है और यहाँ पर यह कम्प्लीटेड शो हो रहा है। तो इस तरह ऑलमोस्ट जिनका भी क्यूरी होगा, जिन्होंने रिप्लाई किया होगा ऑब्जेक्शन को, तो उनका यही इस तरह शो हो। उसके अलावा लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि 5 से 15 ग्रेड तक की जो आसामी हैं उनमें कोई भी अभी टेस्ट नहीं होगा, लेकिन 1 से 4 वाली और ऊपर वाली जो 17 वाली हैं 16-17 उनकी टेस्ट हो सकती हैं। तो ये लास्ट अपडेट में मैंने आपको दी थी। उसके अलावा मैंने अपना व्हाट्सअप और जो गूगल रूम है उसका लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।